नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां किसी जानवर की मौत पर अगर पूरा गांव में मातम का माहौल छा जाए तो आप इसको क्या कहेंगे? इंसानों की बेवकूफी या जानवरों के प्रति उनका प्रेम? ऐसा ही कुछ नजारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर हसनपुर गांव में देखने को मिली। यहां स्थानीय गांव के लोगों के बीच रहने वाला एक जानवर पूरे गांव के लोगों के बीच इतना लोकप्रिय था कि उसे खोने का दर्द पूरे गांव वालों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। दरअसल यह शव यात्रा स्थानीय जितवारपुर हसनपुर गांव की है, जहां के स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक भैंसा की मृत्यु के बाद पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसकी शव यात्रा निकाल उसका दाह संस्कार कर दिया। इस शव यात्रा में पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी तथा स्थानीय लोगों ने भाग लिया तथा नम आंखों से उस भैंसे को विदाई दिया। इस भारत वर्ष में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानवरों के साथ बर्बरतापूर्ण व क्रूरतापूर्ण सलूक करते हैं। उन लोगों को इस घटना से सीख लेनी चाहिए तथा निरीह और बेजुबान पशुओं से मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। घटना के बाबत पूछे जाने पर पंचायत समिति सदस्यपति प्रमोद कुमार पंडित ने कहा कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हसनपुर जितवारपुर गांव में विगत कुछ वर्षों से एक भैंसा रह रहा था, जिसकी मौत अचानक 14 जुलाई 2020 को हो गई। भैंसा की मौत की खबर सुनकर पूरा गांव उस भैंसा के मरने वाले स्थान पर जुटने लगे। स्थानीय ग्रामीणों ने उक्त भैंसा को गांव का एक ग्रामीण की भांति पूरे गाजे बाजे के साथ स्थानीय मोक्षधाम ले जाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार कर दिया। स्थानीय लोग तो उसे कंधा भी देना चाहते थे, लेकिन भैंसा का वजन ज्यादा रहने के कारण 20 लोगों से भी उसका वजन सहन नहीं हो पाया, जिसके कारण मृत भैंसा को जेसीबी की मदद से मोक्षधाम ले जाया गया। इस शव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय महिला, पुरुष, बच्चे तथा जवान लोग शामिल थे। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। भैंसे की हमारे हसनपुर जितवारपुर गांव, जिला समस्तीपुर, यहाँ के जितने ग्रामीण हैं पशु से बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं। तो यही भैंसा जो है कुछ दिन पहले एक पैखाना की टंकी में गिर गया था, तो यहाँ के तमाम गार्जियन हम लोग सभी लोग मिल के उसको पैखाना की टंकी से निकाले, और देखिए आज समय पर हमारे गाँव में ही इनका प्राण छूट गया। तो सभी ग्रामीणों ने, सभी गार्जियनों ने, खासकर युवा क्रांतिकारी लोग और सभी जनप्रतिनिधि के सहयोग से इस इनका दाह संस्कार जो है भैंसा का आज हम लोग पूरा विधि विधान के साथ सिस्टम से कर रहे हैं, हम लोग पूरे हसनपुर जितवारपुर के गांव के ग्रामीण सब। और जो मान सम्मान किसी बुजुर्ग के, किसी के माता पिता के मरने के बाद होता है, लेकिन वही मान सम्मान आज पूरे गांव के लोग यही इस पशु को हम लोग उसे मान सम्मान के साथ दाह संस्कार करने मोक्ष धाम के पास जा रहे हैं। और हमें उम्मीद भी है कि जो प्रेम भाव पशु के साथ रखा जाता है हमारे गाँव में, वो सब दिन रखा जाएगा। और यहाँ हम हुए प्रमोद कुमार पंडित, पंचायत समिति पति और सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोग का सहयोग से हम लोग आज इनका दाह संस्कार कर रहे हैं। धन्यवाद। चढ़ के जो है अपना जीवन यात्रा करता था, कोई भी मनुष्य को आज तक ये क्षति नहीं पहुंचाया, और इसी समाज में घूम फिर के जो है बेचारा खा पी के रहा। कोई किसान को जो है हर समय पर पाल आर जो है देने में कहूँ जाना नहीं पड़ता था, और किसान को भी जो है कोई जजात बेसी नुकसान नहीं करता था। ये बेचारे गांव के लक्ष्मी मान जो है इसको माना जाता था। क्या नाम हुआ? ब्रजभूषण राय। खूब काम में आप लोग हैं? हमारे गांव में पशु 35 साल से रह रहे हैं, और इनसे बहुत जनता को सुविधा मिली है। जितने भी हमारे ग्रामीण भैंस रखे हुए हैं उनको भी लाभ मिला है, और इनका आज अंतिम संस्कार हो गया, जिसके कारण हम लोग जितने भी ग्रामीण हैं सब मिल के इनको दाह संस्कार करने जा रहे हैं। धन्यवाद।